तुम एक तो ज्यादा रिजेक्ट मत करो, प्यार से ही तो पूछोगी उससे। क्या ही बात है, लोगों की तरह हंस रहा था भाई। साफ सा क्लियर कट करो ना, तुम्हारा रिलेशन भी खराब हो रहा है। कौन है लवी, क्या घबराना गम से, तो तुम अकेले अपने किसी से बात कर लो। प्रूफ करो और क्या, तू प्यार। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सो गाइस स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बट आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मेरे अकेले का ब्लॉग होगा, क्योंकि प्रिंस जी ने ना वो रात में मेरे पास लवी की कॉल आ गई थी, तो लवी की वजह से ना वो इतने ज़्यादा, हाँ होता है, फ्रेंड है यार वो मेरी। अब फ्रेंड के बारे में ऐसा सोच रही है कि रात के 2-3-4 बजे तक कौन बात करता है। बट मैंने बात ज़्यादा नहीं की, मुझे नींद आ गई थी कल रात में बात करते करते, तो फ़ोन मेरे कान से ऐसे ही रखा गया। प्रिंस ही ने कॉल करी होगी रात में तो मैं उठा नहीं पाया, लेकिन सुबह मैंने जब कॉल किया तो कॉल पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, फिर यहाँ पे आके कैमरा लगवा के कुछ प्रैंक वगैरह पता नहीं क्या चेक किया मैं, तो वहाँ से उठ के चला गया था। ज़्यादा देर रुकता तो फिर और ज़्यादा गुस्सा करती वो। बट अभी तक, और यार बीच में एक सीन और हो गया कि कृति ने प्रैंक किया सचिन पे, उन लड़कों का भी फुटबॉल बन जाता। बट क्या ही बोलूँ यार, लेकिन आज का ब्लॉग जो मेरा होगा अकेले का होगा, लेकिन अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा ले जाके। तो क्यों कर रखा है तुमने अब अपनी चीजें खराब, जब पता है। तुम एक तो ज्यादा रिजेक्ट मत करो, प्यार से ही तो पूछोगी उससे सारी चीज। वो बात नहीं है। नहीं, तो क्या बात है फिर, ये नहीं है यार, सही बात है। कपिल भी तो पूरा और डाउट क्रिएट। अरे गुस्से में कोई नहीं बताता, गुस्से में तुम्हें लगा लगेगा बता देगा गुस्सा दिख रहा था की तरह हंस रहा था वो। हमारी बात करें कि तुम गुस्सा कम करो, आराम से प्यार से पूछोगी तो नहीं होता यार। मेरा वो डर रहा है, लड़के से बात करेगा मुझे खुशी मिलेगी। मैं जाके बात करके आऊँ उससे, तुम्हारी बात तुम्हारी जायज है, तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज है। मैं जाके प्यार से बात करके तुम्हें बता दूँ, लेकिन मुझे ये बात जब तक नहीं पता मेरे कलेजे को शांति नहीं मिलेगी यार। तो तुम्हारे अभी शांति नहीं मिलने की अभी फिलहाल में, तो चलो चल रहे एक बार कपिल से बात करते। कपिल ऐसे कर क्यों, मच्छर चलेगा मुँह में। गाय चलो येरा कपिल, इनके अब पता नहीं लड़ाई हो गई है वो लवी को लेके। कहीं कपिल ने पढ़ कहीं, अरे मुझे नहीं पता, बस याद आता फिर पटा लिया होगा लवी को इसने। तुम साथ रहे थे कि मैं नहीं, अरे नहीं पता यार, तभी तो बोल रहा हूँ। कपिल और लवी कैसी है? अरे चुप रहो यार, कैमरा चालू करके क्यों आ जाते हो यार? कैसी है लवी ये बता, एक बात बताओ। तुम इतनी वो हाइपर हो रही है सारी चीज, क्या बात है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? साफ सब क्लियर कट करो ना, तुम्हारा रिलेशन नहीं खराब हो रहा है ऐसे में। तो मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ क्या है ये, बता तो बता नहीं सकता यार मैं। तो ऐसा क्या है तेरा लवी के साथ, क्या होती है जो नहीं बताई जा सकती? तो तुम बताओगे नहीं कुछ चीजें, मतलब तेरा अफेयर चल रहा है उससे, रिलेशन खराब नहीं होगा तेरा, अफेयर चल रहा होगा या तो फिर उससे, तभी तू नहीं बता रहा, वरना तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। रात में तू उठ के बात भी कर रहा था। कोई भी लड़की हो बुरा तो लगेगा। चल चल मुझे बता दे, मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और बोल दूंगा। तू यार तू लड़का है, तू वैसे ही समझ जाना, तू तो बिना बताए भी समझ सकता है। अच्छा डबल डबल है? ये तो तुम्हारे, देखो बस मैं ऑन पब्लिक दिखाना नहीं चाहता, तुम बार बार वो ही जिद कर रहे हो कि अच्छा, बताओ। ऐसा तो नहीं वो घर वाला ये बाहर वाला? अरे अब क्या बोलूं, तू ये बात नहीं, मत नहीं सुनो। पहली बात कैमरा बंद कर दे यार, मैं कैमरे के सामने कुछ बताना नहीं चाहता। फिर किसके सामने बताएगा ये बताओ, और उसे छोड़ ही आना तू, ठीक है? मैं तो छोड़ तो आऊंगा, पर तू ये तो देख, वो फिर आएगी नहीं, ये देख लियो गुस्से में, फिर तू किसके साथ वीडियो बनाएगा, किसके साथ काम करना है तुझे, और वो फिर तुझे याद आएगी। कपिल बोल रही हूँ, ये तो गलत बात है, तुम उससे इतने, एक तो उसके सामने तुम बात कर रहे हो, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा क्या तुम रात भर बात करोगे? और फिर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको सचिन को छोड़ के आएगा? तुम छोड़ो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। वैसे मैं होता तो मेरा एक बार कुछ चल जाता। प्रिंस थोड़ी पॉजिटिव है, कृति को तो बेवकूफ बनाना आम बात है, उसको नहीं बना पाएगा तू बेवकूफ यार। मैं तुझे रूम पे जाके सब समझा दूंगा, अभी तू कैमरा बंद कर दे और इन सबको छोड़ यार। वैसे भी रूम पे जाके पक्का पता समझा देगा कि नहीं, वैसे कोई ऐसे गलत बात तो नहीं है ना, तू गलत काम तो नहीं कर रहा है कुछ? क्या गलत करूंगा तेरे को, तू कपिल यार तुम्हारा, तू प्यार तो नहीं करने लगा है कहीं उससे? तू यार कैमरा बंद कर देना, क्यों जिद कर रहा है? वैसे भी मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ, तू अब काम तू कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। वैसे कभी किसी से लड़ाई हो रही है कभी क्या, कभी कोई, बस ये लवी अरे अब मुझे खुद नहीं पता, तुम रात भर बात करो, क्यों नहीं सकोगा अगली बंदी को? मैं भी हूँ हमें, हम पे तो क्यों, जब गलती करेगा तो होगा ही। तो क्या बजे तक करी थी, क्या बजे तक करी थी बता? मुझे नींद आ गई तो फोन चालू ही रहा।
ले बता तो उसने कितना गहरा प्यार है। तुम गलत मत ले जाओ, अगले बंदे की बात सुन लो, उल्टा सीधा बोल लो कुछ भी। कभी तुम मुझे ये ठीक है, तुम्हें प्यार लग रहा है ना सबको, ठीक है मेरा प्यार है, अब तुम चले जाओ। जो तुम्हें अच्छा लगे और जो उसे अच्छा लगे समझना है, जिसे वो समझ। तो तुम अकेले में प्रिंसी से तो बात कर लो उसको। तो मैंने उसे बुला, प्यार करती है, उसको दुख नहीं हो रहा होगा। कपिल तुम भी कैसी बात कर रहे हो। मैं उसे बुला के ला रहा था, वो आई। बुला ले, वो क्यों आएगी जब तू गलती करेगा। गुस्सा हो रही, ये भी बात सही है, गलती तुमने कर रखी है। तुम बोलो, फोन की हिस्ट्री दिखाओ, सब कुछ बोलो। मैंने बोल तो दिया, हिस्ट्री देख ली। वो लवी से बात करवा, पर्सनली नंबर मांगती है। नंबर कौन दे दे यार, ऐसे कुछ उल्टा सीधा कर दिया। नंबर तो मत दो, वो अभी वो उसका वो भी गलत नहीं है यार, वो भी मतलब। तो फिर गलत कौन है, कपिल है, साफ साफ बात ये बोलो ना। मैं ये नहीं बोली, बस मैं ये बोली अभी। हाँ। देखो वो पॉजिटिव, देखो अभी ठीक है, मैं गलत हूँ तो ठीक है, जाओ। हाँ तो अब है तो है ही, अब क्या इसमें गलत। देखो गलत ये है कि हाँ उसको बुरा लग रहा है, अगर तुम सही हो तो तुम उसको अपनी सफाई प्रूफ करो और क्या। अरे यार वो भी लवी, क्यों लवी की बात है छेड़ रहे हो, वो भी यार लड़की है एक। तो तू ले बार बार लवी 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 यार, तू लवी की इतनी बात। तू तभी उसकी तारीफ करता है, कई कई बार मैंने देखा ये। बोलना नहीं जा रहा हूँ मैं प्रिंस के सामने सारी बात। तुम बैठ रहे हो ऐसे में तो बिल्कुल डाउट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सचिन भी ऐसा करे तुम बिल्कुल ही डाउट। अच्छा तू ऐसा कर, तू ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं, बस तू कुछ क्लियर कर नहीं रहा। हम पे छड़ रहा, हमने थोड़ी गलती करी, गलती तूने करी है। धीरे धीरे बता दूंगा सब, तो बता देगी, कर लो तो मैं समझो यार। गाइस मुझे लग रहा है कुछ गलत कर रखा है इसने। हाँ आ जाओ। अरे तभी तो मैं बोल रहा हूँ प्यार करता उससे, शायद ये लवी से और क्या। तभी तो प्रिंसी को बोलना, मतलब वो वैसे भी वो गुस्से में। हम तो ऐसे हो गए कि इधर से उधर इनका लड़ाई सुनो। वो भी गुस्से में, कुछ नहीं है लवी से उसका। हाँ कुछ नहीं, हो बता रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा चिढ़ाना चाह रहा हूँ, चिढ़ जाएगी तो कल बात कर लेना। अभी तुम गर्मी में हो और तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार। वो भी मैं तो बोल रही हूँ कि क्या कहते, क्यों नहीं सकूंगा यार, क्योंकि चुप कपिल भी तो चुप जाके चुप रहो क्यों यार सचिन, क्यों चुप हो जाए। एक लड़की है, एक लड़की को इतना तो समझती है। दुख नहीं होगा 12 बजे सुबह से 6 बजे तक उसका अनदर कॉल पे बिजी आ रहा नंबर। चुप रहो। बाकी गाइस चलो कल तुम्हें सारी चीज पता चलेंगी। परेशान मत हो, और प्रिंसी को मैं छोड़ के आ रहा हूँ आज, वो तो छोड़ के नहीं आएगा। कल तुम्हें सारी चीज मिल जाएंगी। बाकी चलो मिलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। तुम सुनो अपनी, पहले ठंडे दिमाग से करना गाइस, कमेंट करना प्रिंसी के लिए कि ठंडे दिमाग से पूछे तो कपिल बता देगा सारी चीज। बाकी चलो बाय।